प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह पहली मुलाकात है। लेकिन पीएम मोदी और ऋषि सुनक की पहली ही मुलाकात के बाद ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय छात्रों के वीजा को लेकर एक अहम फैसला लिया है। ऋषि सुनक ने भारतीय युवाओं को यूके में काम करने के लिए हर साल 3000 वीजा देने का ऐलान किया है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस तरह की योजना से लाभान्वित होने वाला भारत पहला देश है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज यूके भारत प्रोफेशनल स्कीम की पुष्टि की गई है। 18 से 30 साल के भारतीय डिग्री धारक युवाओं को यूके में आने और 2 साल तक काम करने के लिए 3000 वीजा की पेशकश की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन ने यह घोषणा पीएम मोदी और ऋषि सुनक की मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद कर दी। बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद ब्रिटेन भारत से दोबारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात करना चाहता है। आपको याद होगा कि ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने तो यहां तक कहा था कि वो इस एग्रीमेंट को दिवाली तक पूरा कर लेंगी। भारत और ब्रिटेन के बीच ये डील तो नहीं हो पाई, लेकिन दिवाली पर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री जरूर बन गए। अब ऋषि सुनक भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए ब्रिटेन भारत से व्यापार में कई तरह की सुविधाएं चाहता है, ताकि वो आर्थिक संकट से जूझ रही अपनी अर्थव्यवस्था में जान डाल सके। ब्रिटेन इस वक्त महंगाई की चपेट में है और भारत के साथ ये एग्रीमेंट उसके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। वहीं भारत भी इसके बदले ब्रिटेन से भारतीयों के लिए वर्क और स्टडी वीजा की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहा है। अब ब्रिटेन ने यह फैसला लेकर बता दिया है कि वो आने वाले समय में भारत के साथ मजबूत रिश्ते चाहता है।